वेलकम स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पे वेरिएशन चैप्टर करने जा रहे हैं ये जो वेरिएशन चैप्टर है यहाँ पे पहले दो टर्म हम लोगों को जानना है एक है फास्ट कांस्टेंट 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 मींस हुज वैल्यू इज ये होता है इनका कांस्टेंट ठीक है और एक होता है वेरिएबल वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू ऑलवेज चेंजेस हुज वैल्यू ऑलवेज चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू सम कंडीशन ठीक है तो ये कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल ये हम दोनों को जानना है इन जनरल कॉन्स्टेंट को हम लोग नॉर्मली के के वन के टू इस तरीके के वेरिएबल वैल्यूज को दे के इंडिकेट करते हैं कि जो वैल्यू चेंजेस नहीं होता है वेरिएबल इन जनरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी इस तरीके का वैल्यूज देके हम लोग करते हैं ए भी, भी हो सकता है पर काउंस्ट इन जनरल हम लोग के के वन के टू इस तरीके से लेते हैं जो भी वैल्यू हो ठीक है तो ये दो वेरिएबल का जो रिलेशन होता है वो ही होता है वेरिएशन मतलब हाउ वन वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल वही उसको देखना है वेरिएशन करके जैसे टाइम के साथ स्पीड बढ़ता है जब टाइम ज्यादा मतलब कुछ अगर तुम लोग खरीदने जाओ एक, एक पेन का जितना प्राइस होता है पांच पेन का उसका ज्यादा प्राइस होता है तो जो भी रिलेशन बनता है दो वेरिएबल का तो वो आता है हम लोगों के वेरिएशन में तो वेरिएशन जो होता है तीन तरीके का होता है फास्ट है डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन मतलब कि सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल है दो वेरिएबल मतलब एक है सपोज एक, 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 एक दूसरा है वाई तो एक्स एक, एक वैल्यू है और वाई एक वेरिएबल है ठीक है तो डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज होता है देन वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है डायरेक्ट मतलब इफ देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इफ वन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस एंड इफ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल आल्सो डिक्रीजेस दैट इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है सपोज हम लोग नॉर्मली एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं एग्जाम्पल मतलब सपोज इफ कॉस्ट ऑफ वन पेन फाइव रूपीज ठीक है फाइव रूपीज तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फाइव पेन कितना है ट्वेंटी फाइव रूपीज मतलब ये एक वेरिएबल है पेन एक वेरिएबल है और उसका प्राइस दूसरा वेरिएबल है ये सपोज एक है और उसका प्राइस है वाई तो एक अगर इंक्रीजेस होगा मतलब काउंटिंग पेन का इंक्रीजेस होगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी इंक्रीजेस होगा तो एक इंक्रीज है मतलब वाई भी इंक्रीज है ठीक है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स अगर तुम्हारा यहाँ पे पेन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज होगा तो ये होगा हम लोगों का डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं हम लोगों का इसका नोटेशन है एक्स वेर इज डायरेक्टली विथ वाई ठीक है अब देखो नॉर्म एक आ, अगर हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं एक्स एंड सपोज एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हम लोग कुछ वैल्यूज ले रहे हैं वैल्यूज सपोज ले रहे हैं नाइन्टी सिक्सटी थर्टी ट्वेंटी ट्वेल्व एट फिफ्टीन टेन वन फिफ्टी फोर ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो निकल रहे हैं x बाई वाई ठीक है तो x बाई वाई नाइनटी एंड सिक्सटी अगर हम लोग यहाँ पे थर्टी से इसको मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कितना वैल्यू आता है थ्री बाई टू ये दोनों का नाइन टेन सिक्सटी जीरो जीरो काट जाता है थ्री से मतलब थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जै सिक्स ये भी कितना आता है थ्री बाई टू ये भी कितना आता है फोर से जाएगा तो थ्री बाई टू ये अगर फाइव से जाएगा तो थ्री बाई टू और ये अगर हम लोगों को कितना से सिंप्लीफाई करो इसको तीन से जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन नहीं टू से जाएगा टू सेवन जा सेवेंटी एइट टू से टू फाइव जा टेन टू टू जा फोर फिर जाएगा यहाँ पे टू से थ्री टू जे थ्री नाइन जा टू टू जे टू टू जै फोर थर्टीन से थ्री थर्टीन से थ्री टू मतलब ये भी ठीक है तो यहां पे देखो अगर ये पे x का, x का का वेरिएबल वैल्यू अगर हम लोग ये ले और y वेरिएबल का वैल्यू अगर हम लोग ये ले तो x बाई वाई इन वैल्यू के रिस्पेक्ट में सबका सिंप्लीफाइड फॉर्म थ्री बाई टू आ रहा है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल्स टू थ्री बाई टू और एक्स इक्वल्स टू क्या होगा थ्री बाई टू वाई ठीक है तो क्या हो रहा है यहां पे देखो ये है वेरिएबल ये है वेरिएबल बट दिस वन इज कांस्टेंट ठीक है तो ये जो रिलेशन एक्स प्रोपोर्शन टू वाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू के वाई तो के क्या है के इज ए कॉन्स्टेंट ये हम लोगों को लिखना है जब भी वेन एवर वी यूज द टर्म यूज के एज ए कॉन्स्टेंट वी हैव टू राइट इट एज के इज ए नॉन जीरो इस तरीके से कोई भी अगर वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन होता है ये है हम लोगों का डायरेक्ट वेरिएशन एक्स प्रोपोर्शन टू वाई उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू के वाई और इसको क्या और ये भी हो सकता है एक्स बाई टू के इस तरीके से एक्स बाई वाईक्वल्स टू के यहाँ पे के का वैल्यू क्या है दिस वन इक्वल्स टू के के मीन्स कॉन्स्टेंट तो इस रिलेशन से यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के आता है थ्री बाई टू ठीक है तो के का वैल्यू कुछ भी होता हो सकता है पर वो है कॉन्स्टेंट वैल्यू ठीक है तो हम लोग कॉन्स्टेंट क्यों लेते हैं यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में थ्री बाई टू आ रहा है पर नॉर्मली वैल्यू थ्री बाई टू नहीं है वैल्यू कुछ भी हो सकता है ठीक है पर उसको अगर तो ये x एंड y का रिलेशन है x इक्वल्स टू थ्री बाई टू वाई ठीक है तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन मतलब इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस देन अनदर वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन तो नंबर टू आएगा हम लोगों का इन्वर्स वेरिएशन ठीक है तो इन्वर्स वेरिएशन में देखते हैं हम लोगों को क्या है इनवर्स वेरिएशन में आता है कि सपोज एंड दो वैल्यू है तो इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेस ठीक है दो वेरिएबल ऐसे रिलेटेड है कि एक अगर इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज होता है ठीक है और भाईस वर्सा अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा ठीक है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे देखो तो डिक्रीज होता है मतलब इस रिलेशन को हम लोग जो नोटेशन में देते हैं उसका जैसे डायरेक्ट वेरिएशन एक्स प्रोपोर्शन टू वाई है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कि एक्स प्रोपोर्शन टू वन बाई वाई ठीक है देखते हैं एक एग्जाम्पल दे देखो सपोज एक्स वाई वैल्यू लेते हैं एक्स एंड वाई का एक्स है फाइव वाई है टेन एक्स है ट्वेंटी फाइव वाई है टू एक्स है टेन वाई है फाइव फोर टूल फाइव एट सिक्स पॉइंट टू फाइव ठीक है अब यहाँ पे जैसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स वाई वाई निकालना था यहाँ पे इन्वर्स के लिए हम लोग करते हैं जब दो वेरिएबल का अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो उसका जो डिवीजन होता है वो एक कांस्टेंट होता है ठीक है पर अगर क्यू कांस्टेंट होता है डिवीजन तो एक्स इक्वल्स टू वाई मतलब एक्स इक्ल टू के वाई तो एक्स बाई वाईक्वल्स टू के तो दो वेरिएबल का डिवीजन होता है कांस्टेंट जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है और जब इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है कॉन्स्टेंट मतलब एक्स वाई तो एक्स वाई निकालो दो वेरिएबल का इसका कितना होता है फिफ्टी इसका फिफ्टी इसका फिफ्टी इसका भी फिफ्टी इसका भी होगा फिफ्टी मतलब प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट मैं फिर बोल रही हूँ डायरेक्ट वेरिएशन में अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्स बाय वाई होता है कांस्टेंट मतलब डिवीजन और यहाँ पे इसको देखो इसको देख के ही समझ में आएगा एक्स प्रोपोर्शन टू तो वन बाई वाई, वाई और क्या होगा अगर वाई इधर ले आएंगे तो एक्स इक्वल्स टू प्रोपोर्शन मतलब हम लोग क्या लिखेंगे एक कॉन्स्टेंट इंटू वन बाई वाई और एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के मतलब प्रोडक्ट होगा कॉन्स्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज कॉन्स्टेंट एंड डायरेक्ट वेरिएशन में डिविजन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया एक्स वाई इक्वल्स टू फिफ्टी तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू फिफ्टी और एक्स इक्वल्स टू फिफ्टी इंटू वन बाई वाई अगर वाई इसको नीचे ले आए तो यहाँ पे क्या होगा ये फिफ्टी है कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्रोपोर्शन टू वन बाई वाई तो ये हो गया हम लोगों का इनवर्स वेरिएशन ठीक है आप आ रहा है थर्ड तीन तरीके का वेरिएशन हम लोग नॉर्मली देते हैं थर्ड है हम लोगों का ज्वाइंट वेरिएशन ज्वाइंट वेरिएशन तो ज्वाइंट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं देखो तो ज्वाइंट वेरिएशन नॉर्मली अप्लाइड ऑन थ्री वेरिएबल्स इन जनरल ठीक है इट मे बी मोर देन टू वेरिएबल ज्वाइंट एक होगा तो इन एंड डायरेक्ट तो आ जाता है तो ज्वाइंट वेरिएशन इन जनरल अप्लाइड मोर देन मोर देन टू वेरिएबल्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल मोर देन टू वेरिएबल्स ठीक है तो क्या होगा दो रिलेशन देखो एक आ रहा है कि सपोज थ्री वेरिएबल्स लेके हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है थीके? तो कंडीशन है एक्स प्रोपोर्शन टू वाई ठीक है तीन वेरिएबल्स है मतलब तीन पैरामीटर्स है तो तीन पैरामीटर्स मतलब टाइम स्पीड वेलोसिटी इस तरीके का तीन वेरिएबल्स का रिलेशन तो एक्स प्रोपोर्शन टू वाई व्हेन व्हेन जेड इज कांस्टेंट, ठीक है ये एक दूसरा है कि एक्स प्रोपोर्शन टू जेड मतलब दोनों का रिलेशन होगा और थर्ड वाला तब क्या होगा कांस्टेंट होगा व्हेन एक्स एंड जेड का रिलेशन है व्हेन वाई इज कांस्टेंट ठीक है अगर इस तरीके का दो रिलेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको एक साथ लिख के तो एक्स के साथ ये भी वेरिएबल वेरिएशन है एक्स के साथ ये भी प्रोपोर्शन है तो फिर हम लोग एक साथ मिलके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्रोपोर्शन टू वाई z मतलब x y z दोनों के साथ एक साथ प्रोपोर्शन जब होगा तब क्या होगा when y and z both varies ये जब हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आएगा मतलब दोनों अगर अलग अलग वेरिएशन रिलेटेड है तो उस दोनों को अगर हम लोग एक साथ करना चाहेंगे तो फिर उसको एक्स प्रोपोर्शन टू तो वो दोनों के साथ एक साथ वेरिएशन होगा प्रोपोर्शन होगा तब क्या होगा वाई एंड जेड दोनों वेरिय होगा तो ये तो दोनों ही डायरेक्ट वेरिएशन है पर ये एक कंडीशन है अगर दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है पर अगर ये ये भी ऐसे भी हो सकता है कि एक डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक्स प्रोपोर्शन टू वाई वेन जेड इज कॉन्स्टेंट ये डायरेक्ट है एंड एक्स प्रोपोर्शन टू वन बाई जेड मतलब एक जेड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है इनवर्स है व्हेन वाई इज कांस्टेंट ठीक है तब भी जॉइंटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों को मिलके एक साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्रोपोर्शन टू वाई कहां पे है वाई से डायरेक्ट है और जेड से इनवर्स है वाई बाई जेड मतलब जब एक साथ होगा तब कोई कांस्टेंट नहीं होगा वेन बोथ y एंड z varies ठीक है तो ये जब प्रोपोर्शन इस तरीके से आएगा तो इसको अगर हम लोग कॉन्स्टेंट दे के लिखेंगे तो ये तो लिख ही सकता है हम लोग कि एक्स इक्वल्स टू के वाई जेड तो के क्या होगा कांस्टेंट आ जाएगा सिमिलरली यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू के वाई बाई जेड वेर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है तो ये तीन वेरिएशन से हम लोगों का करना है तो तीन तरीके का वेरिएशन है एक है हम लोगों का डायरेक्ट वेरिएशन तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा ठीक है तो उसको उसके लिए जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसका डिविजन एक कॉन्स्टेंट होता है इनवर्स वेरिएशन मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा तो जब एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज होता है तो उसके लिए क्या होता है उसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है और जॉइंट वेरिएशन में इन जनरल तुम लोगों का थ्री वेरिएबल्स तक ही है तीन से ज्यादा नहीं है तो थ्री वेरिएबल्स में तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो एक साथ मार्च करके तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और एक डायरेक्ट और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ठीक है तो ये तीन वेरिएशन का टाइप होता है ओके